हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बेटा। तो बच्चों, हम लोग डाइवर्जेंस के अगले वीडियो में आ गए हैं। पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब देखा था। उसके भी पिछले वीडियो में ग्रेडियंट को देखा था। नीचे बेटा प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, ये सारे के सारे वीडियो बेटा एक ही प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। उस प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिलेगा, ठीक है बच्चों? और भी बहुत से वीडियो बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के। आप टॉपिक का नाम लिखिए और लिखिए बाय HD मैथमेटिक्स, तो ऐसे करके भी आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके आप अपने वीडियो सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 11th 12th और IIT के वीडियो बेटा मैंने बहुत डिटेल से अपलोड किए हुए हैं, ठीक है बच्चों? चलिए आज बेटा हम लोग डाइवर्जेंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ध्यान दो, मैंने क्या बताया था आपको कि डाइवर्जेंस में मैंने बेटा आपको क्या समझाया था, जरा इसको थोड़ा सा हम देख ले। मैंने क्या बताया था, मान लो मेरे पास v कोई वेक्टर है, v1i कैप, v2j कैप और v3k कैप। मतलब ये जो है इसको हम कहते हैं ये एक वेक्टर फंक्शन है। जैसे v1 v2 v3 जो है ना, ये xyz के टर्म में होंगे। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि जो डाइवर्जेंस ऑफ वी है, शॉर्ट में इसको DI of V, इसको कहते हैं नेवला डॉट प्रोडक्ट वी, है ना? नेवला डॉट प्रोडक्ट वी, है ना? तो बच्चों देखो क्या होता है, नेवला क्या होता है, नेवला होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमको लेना है इस वी वेक्टर से। तो v1i कैप, v2j कैप और v3k कैप। अब देखो बच्चों, मतलब जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वी हो गया, ये हो गया नेवला डॉट वी। देखो ये क्या हुआ, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे जाएगा तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी वन, इसका इससे जाएगा तो डेल वाई ऑफ वी टू, और इसका इससे जाएगा तो ये हो जाएगा वी थ्री। देखो बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फोर वेक्टर का प्रोडक्ट, ये बेटा मैंने बेसिक वेक्टर में पढ़ाया हुआ है। मैंने IIT के लिए वेक्टर अपलोड किया, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। उसको बहुत डिटेल से अगर आपको पढ़ना हो तो वहां जाके बच्चों आप उसको पढ़ सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़िए, वरना इतना आपको आता होगा, और जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है बच्चों? देखो तो बच्चों, जो डाइवर्जेंस निकल के आता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस हमेशा किसी वेक्टर फंक्शन का निकलता है, और जो डाइवर्जेंस निकल के आता है वो खुद एक स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है, ध्यान रखना, तभी इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना? डाइवर्जेंस जो निकलता है वो हमेशा एक वेक्टर का निकलता है, लेकिन डाइवर्जेंस जो निकल के आता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इस बात को जरा बच्चों यहां पर हमेशा ध्यान रखना। देखो अब जैसे बच्चों एक क्वेश्चन हम यहां पर करना चाहते हैं, क्वेश्चन देखो बच्चों ये है, जैसे हमसे कहा जाए कि नेवला आर क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड करिए, ये हमें मान लो यहां पर क्वेश्चन करना है, या हमसे ऐसा कह दिया जाए कि डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड करिए, है ना? ए क्या है, ए एक कांस्टेंट वेक्टर है, ए क्या है, ए एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमें यहां पर मान लीजिए करना है। अच्छा क्वेश्चन है, हमें आर क्रॉस ए का डाइवर्जेंस चाहिए, या नेवला डॉट आर क्रॉस ए। इस वाले साइन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मैंने बताया था इस वाले साइन को कहा जाता है नेवला, है ना? ये नेवला सांप की लड़ाई वाला नेवला नहीं है, ठीक है? तो ये है नेवला, है ना? एक सिंबल है और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों? अच्छा अब देखो बच्चों, इसको हमें निकालना है। देखो बच्चों क्या करना होगा, बड़ा आसान है यहां पर ये। देखो सबसे पहले बच्चों हमें यहां पर क्या करना होगा कि नेवला का इससे डॉट प्रोडक्ट चाहिए। अब देखो समस्या ये है, ये IJK में नहीं है, जैसे जनरली जो हमें वेक्टर दिया होता है वो IJK में दिया होता है, तो उसका डाइवर्जेंस हम डायरेक्ट इससे निकाल देते हैं, अब तक हमने ऐसा ही किया। अब ये जो वेक्टर दिया गया है ये आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में तो नहीं है, तो देखो क्या करेंगे, समझो जैसे नेवला की वैल्यू रखेंगे, नेवला क्या है, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के और डेल वाई डेल जेड, और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है आर क्रॉस ए से। तो नेवला की बेटा हम देखो यहां पर ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है? अच्छा अब देखो क्या होगा, जब यहां पर हम लोगों को
ये डॉट प्रोडक्ट लेना होगा बच्चों। तो देखो डॉट प्रोडक्ट यहां पर अब हम कैसे लेंगे, इस बात को जरा यहां पर समझिए। देखो क्या होगा, आई डॉट और ये होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर क्रॉस ए। बोलो, क्योंकि आई क्या है, वेक्टर। तो पहले इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो रिजल्ट आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट आई से लेंगे। सिमिलरली देखो यहां पर भी है, j कैप डॉट प्रोडक्ट डेल ऑफ डेल वाई आर क्रॉस ए, और प्लस देखो ये होगा k कैप डॉट प्रोडक्ट डेल वाई डेल जेड ऑफ आर क्रॉस ए। देखो ये बच्चों यहां पर हमें करना होगा, बात समझे है ना। तो ये स्टेप देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये i j k में नहीं दिया है, ठीक है। तो हम यहां पर किस तरीके से उसका है ना डाइवर्जेंस निकालेंगे, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अब देखो इसको बेटा हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा। देखो कैसे आगे बढ़ेंगे हम, जरा समझो ध्यान से। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे यहां पर क्या होगा, आई डॉट, देखो यहां पर हम मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे। दो कैसे लगाएंगे समझो, है ना। ये क्या है, क्रॉस, क्रॉस समझते हो ना, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, है ना। ये क्या है बच्चों, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ठीक है। देखो अब इसमें अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो समझो। देखो पहला फंक्शन क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस अब देखो पहला एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी अब क्या होगा, पहले का डिफरेंशिएशन, तो डेल आर वाई डेल एक्स क्रॉस प्रोडक्ट ए। देखो ये बात जरा यहां पर ध्यान से समझिए, मतलब उनका ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा भाई मल्टीप्लाई रूल, दो चीजों के मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन ऐसे ही तो करते हैं, याद है आपको, लेकिन ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। अच्छा अब देखो यहां पर सिमिलरली यहां भी यही होगा, j कैप डॉट, देखो यहां पर क्या होगा, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस है ना पहले का डिफरेंशिएशन डेल आर वाई डेल वाई इंटू दूसरा, है ना, और प्लस यही चीज देखो हम k कैप के साथ में भी यहां पर करेंगे, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यही चीज हम k कैप के साथ भी देखो यहां पर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो यहां पर, k कैप डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, r क्रॉस डेल a बाई डेल z प्लस डेल r बाई डेल z क्रॉस e, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो a का डिफरेंशिएशन, क्योंकि a कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है, वो जीरो होगा। r के बारे में नहीं पता, मतलब r में x y z होगा, है ना, r में x y z होगा, वो कांस्टेंट नहीं है, a कांस्टेंट है, तभी देखो डेल a बाई डेल x भी जीरो हो जाएगा, डेल a बाई डेल y भी जीरो हो जाएगा, और डेल a बाई डेल z भी जीरो हो जाएगा। देखो क्या बचेगा, ये बचेगा आई डॉट देखो क्या बचेगा, ये जीरो हो गया, ये बच गया डेल आर बाई डेल एक्स क्रॉस ए, ठीक, प्लस देखो ये हो गया जे कैप डॉट, ये जीरो हो गया, ये हो गया डेल आर बाई डेल वाई क्रॉस ए, और प्लस देखो ये जीरो हो गया, ये हो गया के कैप डॉट डेल आर बाई डेल जेड क्रॉस ए। देखो यहां तक हम ऐसे आ गए, ठीक है, ये क्या है, आर वेक्टर है, ध्यान देना, ये आर वेक्टर है, यहां तक आ गए। अच्छा अब जरा बच्चों यहां पर ध्यान से समझिए कि डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई, देखो आर क्या होता है, आर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो अगर हम डेल आर बाई डेल एक्स निकालें, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करें, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट हो गया, यहां देखो क्या हुआ, आई कैप एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो खाली आई कैप बच गया,
डेल आर बाई डेल वाई निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स भी कॉन्स्टेंट जेड भी कॉन्स्टेंट, इसका करना होगा तो क्या होगा जे कैप और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वन, तो जे कैप बचा। सिमिलरली डेल आर बाई डेल जेड क्या बचेगा, के कैप बचेगा। देखो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया आई डॉट, इसकी वैल्यू क्या आ गई आई क्रॉस ए प्लस जे कैप डॉट, देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई जे क्रॉस ए और के कैप डॉट इसकी वैल्यू क्या आ गई के क्रॉस ए। देखो समझो क्या होता बच्चों, अब देखो बेटा ये वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। देखो ये ए डॉट बी क्रॉस सी हो या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी हो, दोनों को ही हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी, और इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। इसकी वैल्यू देखो इस तरह से निकालते हैं ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू और बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। देखो बच्चों मैंने बताया आपको ये और भी डिटेल से पढ़ना हो, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट में भी दो दो चीजें होती हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बताइए मैंने वेक्टर के बेसिक में क्लास 12th आईआईटी के लिए मैंने पढ़ाया हुआ, नीचे उसका लिंक दिया हुआ, उसमें आपको ये चीजें बहुत डिटेल से मिलेंगी, और ये सब अगर आपके सिलेबस में है तो जरूरी है पढ़ लीजिए, सब आपको डिटेल से मिलेगी। मैंने पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, उसको जाके पढ़ लेंगे कि बात समझ में आएगी, बस लिंक नीचे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप टच कर दीजिए, सारे वीडियो पुराने खुल जाएंगे। देखो ये ए वन ए टू ए थ्री क्या है, ये वेक्टर ए के कंपोनेंट है, मतलब ए को लिखा गया होगा ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप। तो ए वन ए टू ए थ्री जो है वो वेक्टर ए में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशियंट है। इसी प्रकार बी वन बी टू बी थ्री जो है ये वेक्टर बी में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशियंट है। सी वन सी टू सी थ्री जो है ये वेक्टर सी में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशियंट है, ठीक है ना। देखो अब एक बात जो इंपॉर्टेंट यहां पर समझो, देखो जैसे इसको हम लिखेंगे आई डॉट आई ए और इसको लिखेंगे जे जे और ए और इसको लिखेंगे के के और ए। देखो ध्यान दो, अगर कभी भी इसमें कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए, जैसे मान लो ए और ए सेम हो जाए, मान लो तो ए और ए सेम हो जाएंगे, तो ये भी यही होगा और ये भी यही होगा। तो अब क्या हुआ, देखो ये डिटरमिनेंट की दो रो कॉमन हो गई तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर, कोई भी दो, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, कोई भी दो या कोई भी तीनों, कोई भी दो या तीनों ही अगर बराबर हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिटरमिनेंट की दो रो समान वे सेम हो जाएंगी। डिटरमिनेंट की दो रोज अगर सेम हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है। तो यहां पर देखो वही है, आई आई से सेम हो गया जीरो, यहां पर भी देखो सेम हो गया जीरो, यहां पर भी के सेम जीरो, तो वैल्यू फाइनली क्या आ गया जीरो। तो मतलब आर क्रॉस ए का जो डाइवर्जेंस था उसकी फाइनली वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, अगर ए एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर देखो बहुत सी बातें यहां पर यूज हुई है, और चूंकि आर क्रॉस ए का डाइवर्स जीरो है तो आर क्रॉस ए को हम सोलेनोइडल कह सकते हैं। मैंने बताया था अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो होता है तो ऐसे वेक्टर को हम सोलेनोइडल कह सकते हैं, है ना। तो आर क्रॉस ए कैसा हो गया, ये एक सोलेनोइडल हो गया, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सारे वीडियो बताया, स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं पालना है। चलिए बच्चों आगे बढ़े और एक दो अच्छे क्वेश्चन बेटा हम लोग और यहां पर आज देखो करते हैं। ये शमा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे
से अपने ये समा। देखो बच्चों एक क्वेश्चन अपने पास है, एक वेक्टर ए दिया गया है कुछ इस तरीके से, ए एक्स थ्री वाई प्लस फोर जे और आई कैप, ठीक है, आई कैप प्लस, ठीक है, एक्स माइनस थ्री वाई थ्री जेड और जे कैप, है ना, एक वेक्टर दिया गया है आई जे के में है, आई जे के में बच्चों यहां पर देखो एक वेक्टर हमको दिया गया है। और अब देखो हमें अगला क्या है, 3x प्लस 2y माइनस z और k कैप, ये एक वेक्टर हमें दिया गया है, है ना, मतलब i कैप j कैप k कैप में है, i का कोफिशिएंट x y z में है, y का कोफिशिएंट जो है वो x y z में है, ठीक है, और k का कोफिशिएंट बच्चों यहां पर x y z में है, ठीक है, इसको 2 कर लो। अब देखो दिया गया है इफ A is solenoidal, ठीक है, find small a की वैल्यू चाहिए हम, अगर A solenoidal है तो, बड़ा आसान है, मतलब solenoidal दिया गया तो हमें क्या करना है, हमें divergence of A को कर देना है जीरो, ठीक है, divergence of A को जीरो कर देना है। अब देखो A वेक्टर i j k में है, तो ये अपना हो गया क्या v1, ये हो गया v2, ये हो गया v3, तो हमें इसका डाइवर्जेंस मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस, यही डाइवर्जेंस होता है बोलो, अगर वेक्टर आई जे के में अलग अलग दिया है, प्लस डेल ऑफ डेल वाई ऑफ दिस, अगर वेक्टर आई जे के में दिया है तो यही इसका डाइवर्जेंस होता है, और ये डाइवर्जेंस हमें जीरो के इक्वल कर देना है, है ना, क्योंकि ये अपना वही वी वन v2, v3, i, j, k के coefficients, ठीक है, तो यहां पर divergence निकालना बड़ा easy होता है। अब देखो इसका differentiation x के respect में करना है, तो a into x है तो a होगा, x का 1 होगा, y का 0, z का 0, सब 0 हो गया, यहां पर देखो y के respect में करना है तो ये 0, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 और ये भी 0, यहां देखो z के respect में करना है तो ये भी 0, ये भी 0, माइनस 1 बराबर 0, देखो क्या बच गया, ये हो गया a माइनस टू माइनस वन बराबर जीरो, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वही है, बच्चे जानते नहीं ना कि सोलेनोइडल का मतलब क्या, ठीक है, सोलेनोइडल का मतलब हो गया कि उसका डाइवर्जेंस जो है बच्चों ये हमेशा जीरो होगा, इस बात को जरा ध्यान से यहां पर समझो, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से नाखियां मिलाना, आएंगी जब ये रुत ये सुहानी, बनती है कोई ना कोई कहानी, बनती है कोई ना कोई कहानी, आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। देखो बच्चे यहाँ पर जरा ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, फाई का पहले निकाला गया है ग्रेडियंट, खाली नेवला लगा दिया, बीच में कोई साइन नहीं है, ना डॉट ना क्रॉस, देखो ध्यान देना, खाली नेवला लगा दिया तो ग्रेडियंट, डॉट लगा दिया तो डाइवर्जेंस, और अभी इसको आगे पढ़ेंगे, अभी इसको आगे पढ़ेंगे, क्रॉस लगा दिया तो कर्ल, ये तीन चीजें हैं, ग्रेडियंट, यहां पर फाई जो है स्केलर फंक्शन है, ध्यान देना फाई स्केलर है, उसमें आई जे के नहीं होगा, यहां पर क्या है फाई में आई जे के होगा, फाई एक वेक्टर फंक्शन है, और यहां पर भी फाई एक वेक्टर फंक्शन है, ये बात जरा ध्यान देना, जिसमें आई कैप जे कैप के कैप होता है वो क्या होता है वेक्टर फंक्शन, जिसमें आई जे के नहीं होता है वो क्या होता है सिंपल फंक्शन, तो ये क्या है बच्चों ग्रेडियंट,
और ये क्या है बच्चों, डाइवर्जेंस, और इसको आगे पढ़ेंगे कर्ल। तीन चीजें आसान है काफी, ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। सवाल खत्म। देखो अब जैसे यहां पर हमको ये वैल्यू चाहिए है, हमें क्या करना, देखो फाई का पहले हमने निकाला क्या बोलो, ग्रेडियंट, और फिर निकालेंगे उसका डाइवर्जेंस। बात समझे? देखो जैसे फाई का पहले निकाला हमने ग्रेडियंट, फिर निकालेंगे उसका हम डाइवर्जेंस। देखो ध्यान दो यहां पर, जैसे ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड ऑफ फाई, तो हो गया आई डेल फाई बाई डेल एक्स जे डेल फाई बाई डेल वाई और के डेल फाई बाई डेल जेड। देखो यहां पर ये आया इसका बोलो क्या, ग्रेडियंट, ठीक। अब हमें देखो इसी का चाहिए है डाइवर्जेंस। देखो अब ये क्या है, ये आई जे के में है, तो अगर कोई चीज आई जे के में होती है तो उसका डाइवर्जेंस हम लोग कैसे निकालते हैं बोलो। अब ये ऐसे समझो कि ये टर्म क्या है, ये टर्म आपका आई जे के में है और आपको इसी का निकालना है क्या बोलो, डाइवर्जेंस, न्यूला डॉट ग्रेडियंट, ठीक। तो अब इसका आपको डाइवर्जेंस चाहिए तो क्या होता, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस आई का कोफिशियंट प्लस डेल वाई डेल वाई ऑफ दिस जे का कोफिशियंट प्लस डेल वाई डेल जेड ऑफ दिस के का कोफिशियंट। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया डेल टू फाई वाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू फाई वाई डेल वाई स्क्वायर और डेल टू फाई वाई डेल जेड स्क्वायर आ गया, है ना। अब देखो फाई को अगर हम बाहर कर दें तो वही चीज आ जाएगी। देखो ये क्या हो गया, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर ऑफ फाई, और ध्यान रखना यही देखो आ गया नेवला स्क्वायर फाई। इस नेवला को जो है ना ये लाप्लासियन, लाप्लासियन ऑपरेटर भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, नेवला का स्क्वायर, नेवला का जो स्क्वायर है बच्चों इसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, इसकी आगे चल के हमको बहुत जगहों पर जरूरत पड़ती है। तो ये बच्चों कुछ अच्छे क्वेश्चन थे डाइवर्जेंस के जो मैंने आपको कराए, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे जब तीनों चीजें पढ़ लेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, तो उसके बाद बेटा हम लोग मिला जुला करके अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे, टेंशन नहीं पालना, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, और इसको वेक्टर कैलकुलस को बिल्कुल लास्ट तक पढ़ करके छोड़ेंगे, है ना। ध्यान रखना प्लेलिस्ट पे जाकर पढ़िए, और वेक्टर का बेसिक जो है उसकी भी नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई टेंशन नहीं पालना। ये मत समझना सर ने आईआईटी के लिए पढ़ाया है तो वो बीएससी में क्या, ना वो है एज इट इज, बल्कि और अच्छा स्टैंडर्ड होता है आईआईटी का। आईआईटी का स्टैंडर्ड तुम छोटा मोटा मत समझना, अगर कोई टॉपिक उसके सिलेबस में है ना तो अच्छे अच्छे लोगों की दिमाग हिल जाते हैं उसको करने में। आईआईटी जो है ना उसको छोटा मोटा तुम काम मत समझना, कह रही आईआईटी की मैथ है, ट्वेल्थ की मैथ होगी, ऐसा नहीं है, बट ट्वेल्थ की मैथ नहीं है, उसमें अच्छे अच्छों को दिमाग हिल जाते हैं। आप देखिए ट्वेल्थ क्लास की आईआईटी के कैलकुलस जाके पढ़िए, मैंने पढ़ाई है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। फंक्शन को पढ़िए, क्लास ट्वेल्व का फंक्शन उसको जरूर पढ़ लीजिए, है ना। मैथ्स में कुछ भी करना होगा तो आपको क्लास ट्वेल्व का फंक्शन आना बहुत जरूरी होता है, ये बात मैं कई बार पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए बच्चों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।